नमस्कार, एसएमई एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। ये दौर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का है और स्मॉल बिजनेसेस भी इसी राह पर कदम आगे बढ़ा रहे हैं, पर इसके बीच साइबर अटैक्स का खतरा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में आज के सेशन में हम साइबर सिक्योरिटी के तमाम पहलुओं पर मंथन करने वाले हैं, ताकि माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस इसकी गंभीरता को समझते हुए आगे की तैयारी कर सकें। हमें ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर पवन दुग्गल, चेयरमैन इंटरनेशनल कमीशन साइबर सिक्योरिटी लॉ, प्रैक्टिसिंग एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। आपका शुक्रिया। साथ ही मौजूद हैं डॉक्टर अजय डाटा, को चेयर आईसीटी कमेटी फिक्की, चेयरमैन डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया राजस्थान। आपका भी धन्यवाद कार्यक्रम में हमें ज्वाइन करने के लिए। तो आइए बातचीत के सिलसिले को शुरू करते हैं। अजय जी, पहले आपका रुख करना चाहेंगे। आप ये बता सकें, जिस तरह से साइबर अटैक्स की संख्या में लगातार इजाफा होता जा रहा है, आप मानते हैं कि एमएसएमईज, जो कि इकोनॉमी की बैकबोन है, उन्हें इस एस्पेक्ट को सीरियसली लेना चाहिए, और इनफैक्ट अब इस नए साल 2023 में इसको लेकर जरूरी कदम भी जल्द उठाने चाहिए? थैंक यू सौरभ, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आई हैव बीन सेइंग दिस इन द पास्ट, व्हेन वी टॉक अबाउट डिजिटल इंडिया वी नीड टू टॉक अबाउट सिक्योर्ड इंडिया, एंड एज यू सेड एमएसएमई इज अ बैकबोन ऑफ द कंट्री, they contribute the maximum part of the GDP, hence it becomes the most vulnerable community and requires the essential part of the cyber security. MSMEs ko, and because of the COVID, agar hum dekhein last 2 saal mein, ek bahut bada change aur ek aa gaya hai, wo change aa gaya hai digital adoption ka. Digital adoption ke saath mein aa gaya hai work from home ka culture. अगर जो सिक्योरिटी आप ऑफिस में लगा पाते थे एक एमएसएमई, अब वो घर पे नहीं लगा पाता है, ऑब्वियसली घर से बाहर जाता है, मोबाइल पे है, गांव में है, और ये सारे के सारे एवेन्यूज खुल गए हैं। सो जो चीजें हम एक एमएसएमई घर में बैठ के ऑफिस में बैठ के अपने वो कर पाता था, उसके लिए आज के नए चैलेंजेस क्रिएट हो गए हैं कि उसको मोबाइल वर्क फोर्स रखनी पड़ रही है, वर्क फ्रॉम होम कल्चर दे रहा है। एंड इस दौरान जब डिजिटल अडॉप्शन बढ़ गया है, तो सारे के सारे कस्टमर्स, वेंडर्स, सप्लायर्स, everybody has gone into digital way and they all are vulnerable under the MSME umbrella. Hence, it is very, very important to see that once the adoption is growing for users, the cyber criminals are laughing. They are having their lifetime achievement because they are having now more customers whom they can attack for, and they have more vulnerabilities they can look for, attack for. And there's the reason we have significant rise in the number of attacks, number of cases which are impacting the MSME sector, especially in India and abroad. Hence, it is required that agar main unko bolun ki MSME ke andar aaj kitni need hai, us need ke hisab se hamara kaam kam ho raha hai, aur need jo hai vulnerability ki bahut badh gayi hai cyber security ka point of view se. So we need to definitely take care in this aspect. Pavan ji, small businesses mein ek samay digital adoption ko lekar hesitation hota tha, लेकिन समय ने, खासकर पैंडेमिक ने, यह बात साफ कर दी कि डिजिटल को ना केवल अडॉप्ट करना है बल्कि एक्सेलरेट भी करना है। पर जितना सीरियसली एमएसएमईज को साइबर सिक्योरिटी को लेना चाहिए, शायद उतनी गंभीरता से वो नहीं ले रहे हैं। एक फीलिंग यह है कि दे आर टू स्मॉल फॉर सच अटैक्स। आप मानते हैं 2023 में इसका खतरा और बढ़ जाएगा? एसएमईज को आप क्या कहना चाहेंगे? 2023-2022 की तुलना में एक ज्यादा खतरनाक, ज्यादा गंभीर वर्ष होने वाला है। कारण यह है कि वो वर्ष होगा जहां पर हम साइबर सुरक्षा में सिंधों को एक रोजमर्रा की जीवन का हिस्सा देखेंगे। अभी तो मिला ऐसा लगता है हम एमएसएमई है, कोई भी आक्रमण हम पर तो हो ही नहीं सकता। जो होता है पाश्चात्य देशों में होता है, भारत में भी बड़ी बड़ी कंपनियों पर एम्स पर अटैक होता है, मुझे कौन देखेगा, तो मैं सुरक्षित हूं। तो ये धारणा कहीं ना कहीं बहुत जल्द ही इसको एक ध्वंस तरीके से हिलाया जाएगा और ये घटनाएं हिलाएंगी। क्यों? क्योंकि अब साइबर आक्रमण जो हो रहा है विभिन्न प्रकार के एमएसएमई सेक्टर्स पर ज्यादा होने की संभावना होती है। कारण ये है, ये वो सेक्टर है जो सबसे कम इन्वेस्ट करता है साइबर सुरक्षा पर, सबसे कम पैसे खर्च करता है साइबर सुरक्षा पर, अपने डेटा को प्रोटेक्ट करने में उतना ज्यादा सक्षम नहीं है, और ये लो हैंगिंग फ्रूट है। यानी कि यहाँ पर इन्हें टारगेट किया जाए तो साइबर क्रिमिनल्स के लिए बच्चों का खेल है, दाएं हाथ का खेल है, और वो आसानी से डेटा उड़ा सकते हैं, पैसा उड़ा सकते हैं, और अपने जो ध्येय हैं उस तक वो पहुँच सकते हैं।
तो कहीं ना कहीं इस पूरे सेक्टर को जगना होगा और अब साइबर सुरक्षा पर प्रॉपरली एज अ डिस्टिंक्ट हेड इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ये रियलाइजेशन मानते हुए कि अगर हमने साइबर सुरक्षा में निवेश नहीं किया तो आने वाले समय में हमारा जो वर्तमान ट्रेड है, हमारा जो बिजनेस है, वो पूरी तरीके से ठप हो जाएगा और हम आउट ऑफ बिजनेस भी हो सकते हैं। अजय जी, टेक्नोलॉजी एक गेम चेंजर की तरह है। क्लाउड ने एसएमईज के लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट कर दिया है, इस पर आगे चलते हुए कैसे प्रिकॉशंस लेना जरूरी होगा? देखिए, क्लाउड इज ए वंडरफुल टेक्नोलॉजी वेयर यू रियली डू नॉट नो कि आपको कितना इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, कितना लगाएं। यू कैन ग्रो एज यू गो, यू कैन स्केल एज यू गो। इसका सबसे ब्यूटी यही है कि आज आपको कितना कंप्यूटिंग चाहिए, कितना रैम चाहिए, कितना स्टोरेज चाहिए, कितना ट्रैफिक आएगा, अगर आपको नहीं पता है तो क्लाउड हेल्प्स यू टू नेविगेट फ्रॉम द स्मॉलेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर टू द हाईएस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। पूरा डिटेल में समझाने के बजाय, लेकिन मैं आपको 5 पिलर्स देना चाहता हूँ इसके, जो साइबर सिक्योरिटी के हैं, जो मेरे हिसाब से अगर सब समझ लें एमएसएमई तो बड़ी आसानी से उनको कवर कर सकते हैं। वन इज आइडेंटिफाई, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द थ्रेट, कहाँ पर मेरा डेटा चोरी हो सकता है, कोई आदमी सेंध लगा सकता है, मेरी एप्लीकेशन जो है किसी प्रॉब्लम में आ सकती है, मेरा डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक हो सकता है, मेरे एम्प्लॉयज आ सकते हैं। ये आइडेंटिफिकेशन करना बहुत जरूरी है अनऑथराइज एक्सेस के लिए, ऑथराइजेशन के लिए एंड ऑल द रेस्ट ऑफ। अगर आइडेंटिफाई हो जाए तो उसे हमें प्रोटेक्ट करने का रास्ता चाहिए। सेकेंड पिलर इज द प्रोटेक्ट, कि हमें प्रोटेक्शन कैसे करना है उसका। मैंने आइडेंटिफाई कर लिया कि मेरे रूम में कोई ना घुसे तो मुझे प्रोटेक्ट कैसे करना है। मे बी आई नीड अ वॉचमैन, मे बी आई नीड अ बायोमेट्रिक, मे बी आई नीड समथिंग। दिस इज जस्ट अ सिंपल एग्जांपल, बट वी नीड टू हैव अ प्रोटेक्ट। देन अगर कोई इंसिडेंट हो जाए या नहीं हो तो मुझे कैसे पता पड़ेगा कि मेरे साथ कोई इंसिडेंट हो गया है? तो थर्ड पिलर इज अ डिटेक्ट। तो मैंने पहला बताया आइडेंटिफाई, सेकेंड बताया प्रोटेक्ट, थर्ड बताया डिटेक्ट। डिटेक्ट में दोनों चीजें आ जाती हैं कि अगर कुछ हो जाए तो अपने आपको पता पड़ना चाहिए, और अगर नहीं हुआ है, आपका सिस्टम सेफ है, वो भी आपका डिटेक्शन बनना चाहिए। फोर्थ पिलर इज अगर हो जाए तो आपको रेस्पॉन्ड कैसे करेंगे उसको, दैट इज द फोर्थ पिलर। हाउ डू यू रेस्पॉन्ड टू ए साइबर सिक्योरिटी अटैक? आर यू रेडी? डू यू हैव द डॉक्यूमेंट? डू यू नो द स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर इन योर कंपनी? तो वो आपके पास है, वो आपको बनाना पड़ेगा और आपको उसका रेस्पॉन्ड करने का तरीका पड़ेगा। और अगर हो जाए और आपने रेस्पॉन्ड कर लिया उसको, तो फिर आपको उससे रिकवर कैसे करना है? फॉर एग्जाम्पल, आपके पास में कोई रैनसमवेयर अटैक हो सकता है, कोई ट्रोजनवेयर अटैक हो सकता है, आपने मालूम भी कर लिया, आपने रेस्पॉन्स भी कर दिया उसका, लेकिन आपको उससे डेटा रिकवर करना है, आपको एप्लीकेशन रिकवर करनी है। सो इफ आई रिपीट माई 5 पिलर्स, आइडेंटिफाई, प्रोटेक्ट, डिटेक्ट, रेस्पॉन्ड एंड रिकवर, ये 5 पिलर्स अगर एक एमएसएमई अपनी ऑर्गेनाइजेशन में ध्यान रख के चलेगा तो आई थिंक ही इज लार्जली कवर्ड इन फ्रॉम दी साइबर अटैक्स। डॉक्टर दुग्गल, साइबर सिक्योरिटी को लेकर जो हमारे मौजूदा लॉज हैं वो आखिर कितने इफेक्टिव हैं? देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण बात तो ये है कि आज की तारीख में भारत के पास कोई साइबर सुरक्षा से संबंधित डेडिकेटेड समर्पित कानून मौजूद नहीं है। हमारे पास केवल भारत का सूचना प्रौद्योगिकी कानून है सन 2000 का, विच इज द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। ये 22 साल पुराना कानून है। इसका हमने संशोधन केवल एक बार 2008 में किया, जिसमें हमने साइबर सुरक्षा की लीगल परिभाषा दी और कुछ कॉस्मेटिक प्रोविजंस डाल दिए। तभी भी ये साइबर सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं और मसलों को डील करने के लिए पूरी तरीके से असक्षम है। 2013 में भारत ने अपनी राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति का गठन किया और ये नीति उस जमाने में अच्छी होती थी, लेकिन भारत ने कहीं ना कहीं उसको कागजी घोड़ा बनाकर रख दिया, उसे कार्यान्वित ही नहीं किया। एंड बिकॉज इंडिया इज नॉट येट इंप्लीमेंटेड द नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी, वी आर इन अ स्टेट ऑफ लिम्बो। द स्टेट ऑफ लिम्बो गेट्स फर्दर परपेचुएटेड बाय द फैक्ट दैट द गवर्नमेंट इज करंटली वर्किंग ऑन अ न्यू ड्राफ्ट नेशनल साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटजी। अजय जी, आप मानते हैं जो कई साल में होना था, आखिर कोविड ने वो डिजिटल अडॉप्शन बहुत जल्द कर दिया है। एमएसएमईज को साइबर सिक्योरिटी पर आप क्या टिप्स देना चाहेंगे ऐसे में, जैसे ऑथेंटिकेशन के लिए 2 स्टेप्स रखें, या फिर जहां तक डेटा बैकअप की बात है वो किसी एक्सटर्नल डिवाइस पर रखें, आप क्या शेयर करते हैं? देखिए, आपने सही बोला साहब, कोविड की वजह से जो डिजिटल अडॉप्शन 10 साल में होना था वो 2 साल में हो गया है।
लेकिन ये इट कैन नॉट बी द रीजन फॉर साइबर अटैक. द रीजन फॉर साइबर अटैक इज अवर काम करने का तरीका चेंज हो गया है. वर्क फ्रॉम होम हैज बिकम द नॉर्म. वर्किंग रिमोटली हैज बिकम द नॉर्म. मोबाइल वर्क फोर्स हैव बिकम पार्ट ऑफ द नॉर्म. इसने क्या किया है कि जो डेटा आपके ऑफिस में रहा करता था और ऑफिस के लोग ही एक्सेस करते थे, अब उसको ऑफिस के बाहर से एक्सेस किया जा रहा है. सर्वर को नहीं पता होता है कि ये मेरा आदमी है या क्रिमिनल है. सर्वर को नहीं पता होता है मुझे एक्सेस देना है नहीं देना है. अगर आप नॉर्मल चलेंगे तो वो सबको एक्सेस देगा. यू रिक्वायर एन ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन एंड अकाउंटिंग. आई कॉल दैट ट्रिपल ए पॉलिसी. आज की तारीख में एम्प्लॉई डेटा, कस्टमर डेटा, वेंडर्स डेटा, टेंडर डॉक्यूमेंट, बिडिंग डॉक्यूमेंट, ऑल डॉक्यूमेंट्स हैव बिकम पार्ट ऑफ द ओपन क्लाउड एंड ओपन एक्सेस बिकॉज आवर एम्प्लॉयज आर वर्किंग आउटसाइड. अजय जी, इंडस्ट्री 4.0 के इस दौर में सिक्योरिटी सॉल्यूशंस के फ्रंट पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई के जरिए कैसे ऑर्गेनाइजेशंस को सपोर्ट किया जा सकता है? बिल्कुल. देखिए, एआई कैन बी यूज्ड इन एवरी सेक्टर वेयर द डेटा इज. साइबर सिक्योरिटी का जो डेटा है, इट कैन डिटेक्ट द पैटर्न्स, इट कैन प्री वार्न यू दैट देयर आर पीपल हु आर ट्राइंग टू अटैक. सो लेट अस टेक एन एग्जांपल. मेरा ऐसा मानना है कि इस दौरान सबसे ज्यादा अटैक्स जो हो रहे हैं और एमएसएमई को जिससे बचना चाहिए वो है फिशिंग अटैक. फिशिंग अटैक कैसे होता है? आपके पास में कहीं ना कहीं से लिंक आता है, चाहे वो व्हाट्सएप के जरिए आए, चाहे इंस्टाग्राम के जरिए आए, चाहे मेल के जरिए आए. आपके पास एक लिंक आता है, उस लिंक पे आप क्लिक करते हैं किसी न किसी ऐसे मैसेज की वजह से जिसपे ट्रस्ट होता है आपको. आपको जैसे मैसेज आएगा कि आपका व्हाट्सएप अकाउंट बंद हो जाएगा अगर आपने अपने आप को वैलिडेट नहीं किया तो, या फेसबुक बंद हो जाएगा, या आपका बैंक अकाउंट बंद हो जाएगा, और वो आपको सिमिलर लुकिंग वेबसाइट पर लेकर के जाएगा. दैट इज एक्चुअली नॉट द मैसेज विच यू नीड टू वरी अबाउट, बट वो आपको सिमिलर लेके जाएगा और आपको ऐसा प्रतीत कराएगा कि वो जो है बैंक से ही मैसेज है और आप उस पर अपना यूजर नेम पासवर्ड डालेंगे. एक्चुअली यू हैव नॉट डन एनीथिंग, यू हैव गिवन योर यूजर नेम एंड पासवर्ड योरसेल्फ टू ए हैकर. ऑल दोस थिंग्स आर हैपनिंग ऑन साइबर डेटा. इट्स हेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट डोंट जस्ट वरी अबाउट द मनी अटैक्स, वरी अबाउट अदर सिक्योरिटी इश्यूज विच एमएसएमई में फेस इनटू एंड दे मे जस्ट लूज एवरीथिंग व्हाट दे हैव. पवन जी, भारत के $5 trillion इकोनॉमी के सफर में स्मॉल बिजनेसेस की अहम भूमिका रहने वाली है, पर यह बात भी सही है कि ज्यादातर एसएमईज इलइक्विप्ड हैं. जहां तक साइबर रिस्क को हैंडल करने की बात है, एसएमईज को साइबर सिक्योरिटी पर काम करते समय किन एस्पेक्ट्स पर ध्यान देना चाहिए? देखिए, कहीं ना कहीं हमें शुरुआत करनी होगी और वो शुरुआत छोटी छोटी बेबी स्टेप्स के साथ करनी होगी. पहली चीज इंपॉर्टेंट है इस बात की रियलाइजेशन एमएसएमई सेक्टर में कि साहब हमें आक्रमण होगा. तो पहला कदम तो ये होगा कि एमएसएमई सेक्टर्स अपने क्राउन जूल्स को आइडेंटिफाई कर ले कि कौन कौन से ज्यादा ऐसे थ्रस्ट एरियाज हैं जहां पर अटैक हो सकता है, और अगर अटैक हुआ तो नुकसान और बिजनेस पर प्रभाव हो सकता है. तो पहले तो उसको प्रोटेक्ट करने का प्रयास करें. दूसरी बात, अपने बैकअप्स जरूर रखें और अपने डिवाइसेस पर ना केवल तवज्जो दें, अच्छा एंटीवायरस, अच्छा फायरवॉल डालें, साथ ही साथ एज सिक्योरिटी पर भी ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि अधिकांश से आज आपके मुलाजिम, बिजनेस पार्टनर्स, बिजनेस एसोसिएट्स एज कंप्यूटिंग के माध्यम से ही आपके आपकी डिवाइसेस को एक्सेस कर रहे हैं और आपके लिए एज सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट हो जाती है. तीसरी महत्वपूर्ण बात, अगर हो सके तो आप ISO 27001 के मापदंडों का मुख्य तौर पर पालन कर लीजिए. लॉ ये नहीं कहता कि आपको सर्टिफाई करने की जरूरत है, लॉ कहता है कि आप सिद्धांतों का पालन भी करते हैं तो मेरे लिए काफी है. तो इन चीजों का पालन करेंगे, बैकअप जरूर रखें. इंडिया में बैकअप्स नहीं होते. अब एम्स जैसा आक्रमण हो जाता है, पता लगता है कि साहब 20-22 दिन हो गए हैं, आप बैकअप से डेटा ही एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, आप डेटा रिस्टोर ही नहीं कर पा रहे हैं. लेकिन अगर आप हर 3 दिन में, हर 2 दिन में एक बार बैकअप लेंगे तो एटलीस्ट अगर आपका डेटा उड़ भी गया हो तो वो अगले 2 दिन पुराना वाला डेटा के माध्यम से आप बैकअप ले पाएंगे. कॉन्स्टेंटली आपको आपको इंकरेज करना पड़ेगा कि आपके मुलाजिम हों, आपके एम्प्लॉयज़ हों, या आपके और भी स्टेक होल्डर्स हों, उन सबको हम प्रोत्साहित करें कि वो साइबर सुरक्षा को जीवन जीने की शैली के स्वरूप में अडॉप्ट करें. कहीं ना कहीं अब तवज्जो आ गई है इस बात को रिकग्नाइज करने के लिए दैट वी आर ऑल लिंक्स इन अ बिग साइबर सिक्योरिटी चेन, एंड देयरफॉर वी इट्स आवर मैंडेटरी ड्यूटी टू इंश्योर दैट वी डू नॉट बिकम द वीकेस्ट लिंक इन दिस चेन ऑफ साइबर सिक्योरिटी. आप देख रहे हैं SME Express. फिलहाल वक्त ब्रेक का है, हम जल्द लौटते हैं.
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं एसएमई एक्सप्रेस। आज हम फोकस कर रहे हैं एसएमईज के लिए साइबर सिक्योरिटी की बढ़ती अहमियत पर। आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। पवन जी, एमएसएमईज अलग अलग रीजन्स क्लस्टर्स में ऑपरेट कर रहे हैं, रिमोट रीजन्स में, और जैसे डिजिटल पेमेंट्स में इजाफा हो रहा है, ऐसे में फाइनेंशियल फ्रॉड से बचने के लिए उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आप क्या कहेंगे? एमएसएमईज को याद रखना पड़ेगा कि कोविड-19 के आने के बाद अब धरातल की ग्राउंड रियलिटीज बदल गई हैं। गोल्डन एज ऑफ साइबर क्राइम शुरू हो गया है और ये साइबर क्राइम का जो स्वर्णिम युग है अगले कई दशकों तक हमारे साथ रहने वाला है। इसलिए दायित्व हमारे पर होगा कि हम अपने कदम उठाएं साइबर हाइजीन के माध्यम से, ताकि हम इन प्रकार के साइबर क्राइम्स के शिकार ना बन सके। और उस दिशा में मुझे लगता है बहुत काम एमएसएमईज को करने की जरूरत है। अपने क्रिटिकल डेटा को प्रोटेक्ट करने की जरूरत है, अपने एम्प्लॉयज को ज्यादा अवेयरनेस, कैपेसिटी बिल्डिंग और एजुकेशन करने की जरूरत है कि साहब आप एटलीस्ट ये बेसिक साइबर हाइजीन मेथोडोलॉजी जरूर अडॉप्ट करें। आजकल कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो आपको साइबर इंश्योरेंस कवर्स भी दे रही हैं, अगर आपके पास उसे लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं, ताकि एटलीस्ट जब आपका डेटा पर आक्रमण होगा या कोई हैकिंग अटैक होगा और आपको नुकसान होगा, तो एटलीस्ट इंश्योरेंस कंपनीज आपको इंश्योरेंस कवरेज के माध्यम से आपको कवर कर पाएंगी। बट अल्टीमेटली एक बात बहुत क्लियर है, आप सो नहीं पा सकते, आप अपने लॉरल्स पर रेस्ट नहीं कर सकते, कहीं ना कहीं यू विल हैव टू रियलाइज दैट कॉन्स्टेंट विजिल इज द ओनली प्राइस दैट यू विल हैव टू पे फॉर द पर्पसेस ऑफ प्रोटेक्टिंग योर साइबर सिक्योरिटी ऑफ नॉट जस्ट योर डेटा बट ऑल्सो ऑफ योर नेटवर्क, एंड इट्स अ कॉन्स्टेंट एक्सरसाइज। देयरफॉर इफ वी स्टार्ट अडॉप्टिंग साइबर रेजिलियंस एंड साइबर हाइजीन एज मेथोडोलॉजीज ऑफ डे टू डे लाइफ, देन टू अ लार्ज एक्सटेंट एमएसएमईज कैन पोटेंशियली ट्राई टू अवॉइड बिकमिंग विक्टिम्स ऑफ साइबर क्राइम। अजय साहब, आप एसएमईज को इफेक्टिव और साथ ही अफोर्डेबल सिक्योरिटी सॉल्यूशंस के बारे में बता सकें, वो किन पैरामीटर्स को ध्यान में रखें कॉल लेते समय? देखिए, सॉल्यूशंस तो बहुत हैं, लेकिन मैं बताता हूं कि मेरे हिसाब से 5 इंपॉर्टेंट एरियाज हैं जो उनको देखने चाहिए, हर एमएसएमई को देखना चाहिए। नेटवर्क सिक्योरिटी, क्लाउड सिक्योरिटी, एंडपॉइंट सिक्योरिटी, मोबाइल सिक्योरिटी एंड एप्लीकेशन सिक्योरिटी। नेटवर्क, क्लाउड, एंडपॉइंट, मोबाइल एंड एप्लीकेशन, ये 5 में उनका ऑलमोस्ट जो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सारा कवर हो जाएगा। इसके बियॉन्ड भी हैं, आईओटी वगैरह हैं, जीरो ट्रस्ट वगैरह हैं, आई थिंक दे कैन, दे आर आल्सो देयर, बट लेट अस से फॉर एमएसएमई वी कैन फोकस ऑन 5, एंड वंस यू स्टार्ट टॉकिंग टू द कंपनीज दे विल टेक यू फर्दर। देयर आर थिंग्स नाउ व्हिच दे कैन डू, व्हिच काइंड ऑफ अटैक्स विल कम इन दीज 5। सो फिशिंग अटैक इज इन द टॉप, then malware attacks, then ransomware attacks, then weak passwords is a very important thing, and insider attack. मेरे को लगता है 5 मैंने बताया आपको जो एरिया कवर करने हैं। पवन जी, अब फाइनल कमेंट्स का दौर है। हम चाहेंगे किसी भी साइबर अटैक की सूरत में इमीडिएटली क्या करना चाहिए एसएमईज को, आप उनको क्या बताते हैं? अगर आपको पता लगता है कि आपके यहाँ साइबर आक्रमण हुआ है, तो पहली चीज तो ये है, पैनिक ना करिए, मान के चलिए ये एक बिजनेस रिस्क है जो आप फेस कर रहे हैं। दूसरी बात, कोशिश करें आप कितना अपना डेटा रिस्टोर कर सकते हैं अपने बैकअप से, वो करने का प्रयास करें। तीसरी बात, अब भारतीय कानून में बदलाव आ गया है, जिस वक्त आपको उस डेटा ब्रीच के बारे में पता लगता है, 6 घंटों के अंदर अंदर आप भारत की जो साइबर सिक्योरिटी की नोडल एजेंसी है, इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, वहां पर आप लिखित में शिकायत जरूर करें। अगर आप शिकायत नहीं करेंगे तो वो दंडनीय अपराध हो जाएगा, जिसमें 1 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। तो एटलीस्ट अपनी लीगल लाइबिलिटी को बचाने के लिए 6 घंटों में एक बार इन्फॉर्म जरूर करते हैं, वंस यू कम टू नो अबाउट द साइबर अटैक। एंड नंबर 4, रियलाइज दैट दिस साइबर अटैक और दिस साइबर इंसिडेंट इज अ वेकअप कॉल फॉर यू, इट्स अ लर्निंग लेसन फॉर यू, हमसे कहाँ गलती हो गई, कहाँ चूक गए और क्या क्या हमें करना चाहिए था जो हमने नहीं किया। अगर उससे हम सीख ले लें और अगली बार उन तमाम सारे मेजर्स को इम्प्लीमेंट करें, तो काफी हद तक मुझे लगता है कि हम ज्यादा वाइज हो जाएंगे, इंटेलिजेंट हो जाएंगे एमएसएमई होने के नाते। अजय साहब, लास्ट वर्ड, आगे चलते हुए साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स काफी डिमांड में रहने वाले हैं, ऐसे में इंडस्ट्री एकेडमिया को किस तरह से मिलकर इस पर काम करना चाहिए? नेचुरली कैपेसिटी बिल्डिंग इज द की फॉर श्योर, और जो आपने बोला है एकेडमिया से टाई अप करें, इंडस्ट्री और एकेडमिया का अलायंस हो, जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है उनके साथ अलायंस हो, साइबर सिक्योरिटी कंपनीज का एक अवेयरनेस प्रोग्राम चले, ऑल इंडस्ट्रीज वर्क टुगेदर, दीज आर ऑल वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप्स।
But I would like to tell everyone one thing, whoever is listening to the show. Nobody calls you to make you rich. He wants to become rich, who is calling you? Ye principle hai. No email will make you rich. No message will make you rich. Your work will make you whatever it will. Hence, it is very important or do not fall in the traps on those calls, on those emails, on those messages which claim that you are going to get something or you are going to lose something. Do not worry about them. Talk to your an IT expert, talk to the cyber criminal expert, and immediately address that whatever is happening. It's very important. And Pavan ji ne jo baat boli hai wo bahut important hai ki humko aware hona padega. Be aware that you can be attacked. Be aware that you are under threat. Be aware that your information can be leaked. Be aware that your systems can be at risk. We have to be aware. We cannot just be sleeping and see that everything is all right and nothing is going to happen. Even if you are so small, the things can happen. And I can tell you my experience, small people are so getting attacked in this country. And I know the cases directly because I deal with them personally. Be aware, keep yourself safe and keep yourself protected. There's a need of an hour. तो SME Express में अभी के लिए इतना ही. पार्टिसिपेट करने के लिए डॉक्टर पवन दुग्गल, चेयरमैन इंटरनेशनल कमीशन साइबर सिक्योरिटी लॉ, प्रैक्टिसिंग एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, और डॉक्टर अजय डाडा, को चेयर ICT कमेटी फिक्की, चेयरमैन डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया राजस्थान, आप दोनों का ही शुक्रिया. थैंक यू. अगले एडिशन में हम एक नई थीम के साथ आपसे मुलाकात करेंगे. फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही. नमस्कार.